गूगल पिक्सल 6 से जो है ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। वेल, इसकी अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई है, वो भी बहुत ही जल्द हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि गूगल पिक्सल 7 सीरीज जो है वो इंडिया में आएगी या नहीं, आइए इसका पता लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल 7 प्रो के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। शुरुआत करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले जो है यहाँ पर हमें फिर से सैमसंग की तरफ से ही देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम भी गूगल पिक्सल 6 सीरीज जो थी उसकी जो डिस्प्ले थी वो सैमसंग ने ही मैन्युफैक्चर करी थी। इस बार भी यहाँ पर डिस्प्ले जो है गूगल पिक्सल 7 सीरीज की जो डिस्प्लेज हैं वो सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करीजिए, सैमसंग इस बार जो है गूगल पिक्सल 7 सीरीज के लिए लेटेस्ट डिस्प्ले पैनल यहाँ पर यूज़ करने वाला है, ओएलईडी रहने वाली है डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर हमें काफ़ी एडवांस फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस बार जो डिस्प्ले रहने वाली है उसमें हमें अप टू 50% तक ज़्यादा पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू पिक्सल 6 प्रो। वेल, ये काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए यहाँ पर जो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, देन लीक्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डिस्प्ले में और भी काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि HLG इमेजरी फीचर देखने को मिल जाएगा और HDR10 जैसी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगी नए डिस्प्ले पैनल की हेल्प से। इसके अलावा यहाँ पर बात करिए 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ना वेरिएबल रिफ्रेश रेट की, देन यहाँ पर ये 10 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ तक वेरिएबल रहेगा, यानी कि एडजस्टेबल रहेगा। लेकिन बात करें ना यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी जो है वो 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ पर मूव कर चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन जो गूगल है वो अभी भी 10 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ पर ही स्टक हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बात करें गूगल की जो डिस्प्ले रहने वाली है पिक्सल 7 प्रो की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी इंप्रेसिव रहने वाली है अपने प्रीडिसेसर के मुकाबले में। गूगल पिक्सल 7 प्रो में दूसरी सबसे बड़ी अपग्रेड रहने वाली है इनके चिपसेट में, यानी कि गूगल टेंसर चिपसेट में। वेल, डिस्प्ले जो है वो तो सैमसंग डेवलप कर रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात करिए चिपसेट के बारे में, वो भी यहाँ पर सैमसंग ही बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने और सैमसंग ने यहाँ पर टाई अप करा हुआ है। जो पहला चिपसेट था वो भी सैमसंग ने ही बनाया था, और अभी जो सेकंड वाला देखने को मिल रहा है वो भी सैमसंग की तरफ से ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें देन ये वाला चिपसेट जो है, यानी कि गूगल टेंसर चिपसेट जो 2 रहने वाला है वो रहेगा 4 नैनोमीटर पर बेस्ड। जी हाँ दोस्तों, जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर 4 नैनोमीटर वाला रहने वाला है, तो इसी चीज़ के कारण यहाँ पर ये और भी ज़्यादा पावर एफिशिएंट हो जाएगा। वेल, पहले वाला 5 नैनोमीटर पर बेस्ड था, इस वाला जो है 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है। जितने ज़्यादा कम नैनोमीटर प्रोसेस देखने को मिलता है ना, उतनी ज़्यादा यहाँ पर हमें पावर एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो जो 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर रहने वाला है वो ज़्यादा पावर एफिशिएंट रहेगा एज कम्पेयर टू 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर। इसके अलावा यहाँ पर बात करी है, जब गूगल ने अपने टेंसर चिपसेट पर वर्क करना स्टार्ट करा था ना, देन गूगल ने कहा था कि क्वालकॉम ने उनको होल्ड बैक करके रखा था, यानी कि जो चीज़ें गूगल एक्चुअल में करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। अभी जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ले लेते हैं, अभी गूगल जो है टेंसर चिपसेट के साथ में एटलीस्ट 5 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड कर सकता है, जो कि तब के टाइम में क्वालकॉम के साथ में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। हालांकि अभी क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ में 3 साल की 4 साल की जो अपडेट्स है वो तो आ रही हैं, लेकिन तब के टाइम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण गूगल को लग रहा था कि उनको क्वालकॉम ने होल्ड बैक करके रखा है। वेल, अगर हम लोग अभी की बात करें देन अभी सैमसंग की एक्सोनोस ने गूगल को होल्ड बैक करके रखा है। वेल, अभी आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर सैमसंग और गूगल के बीच में या फिर क्वालकॉम के बीच में एक्सोनोस कैसे आ गई। वेल दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करी जाए गूगल टेंसर चिपसेट जो देखने को मिल रहा है हमें पिक्सल सीरीज में, वो एक्चुअल में एक्सोनोस प्रोसेसर ही है, बस कुछ कस्टमाइजेशन के साथ में, जो कि गूगल के कहने पर जो कस्टमाइजेशन करी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर बात करिए, इन दोनों कंपनीज में हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, दोनों ही अपनी टेक्नोलॉजी शेयर भी कर रही हैं, लेकिन देखते हैं कि कब तक चलती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि गूगल को कुछ बेटर सोचना चाहिए, क्योंकि जो सैमसंग का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस भी है ना उसमें हीटिंग जैसे इश्यूज आ रहे हैं। अभी क्वालकॉम ने सैमसंग को छोड़कर अभी TSMC पर वो उन्होंने मूव करा है, तो अभी देखते हैं कि क्या चीज़ होती है, हमें क्या नया देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अप टू 20% तक पावर बूस्ट देखने को मिल जाएगा पिक्सल 7 सीरीज में, और अप टू 30% तक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसके रैम टाइप और स्टोरेज टाइप के बारे में, देन यहाँ पर हमें LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल सकती है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकती है। वेल, कैमरास की बात हो और सैमसंग का जिक्र ना हो, वेल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। वेल, अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है
कि गूगल को बस एक फोन तैयार करके दिया जा रहा है जिसमें गूगल जो है अपना नाम लगाकर बेच रही है और अपना सॉफ्टवेयर डालकर बेच रही है, क्योंकि सारा कुछ तो यहाँ पर सैमसंग खुद कर रहा है। चिपसेट सैमसंग बना रहा है, डिस्प्ले सैमसंग बना रहा है, कैमरा सेटअप में सैमसंग की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने वाली है। वेल, लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, जो पिक्सल 6 सीरीज थी, पिक्सल 6 प्रो में हमें सैमसंग का GN1 इमेज सेंसर देखने को मिला था 50 मेगापिक्सल का, और अभी भी एक्सपेक्टेड है कि हमें एटलीस्ट एक कैमरा सेटअप जो है वो हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेगा पिक्सल 7 प्रो में। अभी जो पहले लीक्स आई थी वो सजेस्ट कर रही थी कि हमें यहाँ पर सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा पिक्सल 7 प्रो में जैसा हमें पिक्सल 6 प्रो में देखने को मिला था। अगर हम लोग यही चीज़ मानकर चलें देन यहाँ पर वही हमें यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें हमें 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का बनाया हुआ GN1 इमेज सेंसर देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिल जाएगा, 12.5 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा। वेल, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हार्डवेयर में, हमें यहाँ पर कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें या फिर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करें देन वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करी जा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, यानी कि कैमरा डिज़ाइन के बारे में या फिर ओवरऑल फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में, देन जो फ़ोन का डिज़ाइन है या फिर कैमरा का डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएगा, बस ये कैमरा स्ट्रिप है उसमें थोड़े से चेंजेस रह जाएंगे और कैमरा मॉड्यूल में हमें थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। बाकी हमें नियरली आइडेंटिकल देखने को मिल जाएगा इसका डिज़ाइन जैसा हमें पिक्सल 6 सीरीज में देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पर बात करें इसके लॉन्च और अवेलेबिलिटी के बारे में कि इंडिया में ये लॉन्च होगा भी या नहीं और इसकी अवेलेबिलिटी कब से हो जाएगी। वेल, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लॉन्च के बारे में देन पिक्सल 6 सीरीज जो थी वो अक्टूबर में लॉन्च हुई थी, तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी यही सजेस्ट कर रही हैं कि जो पिक्सल 7 सीरीज़ है वो हमें अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके जो लॉन्च के बारे में जो क्लैरिटी है या फिर इसकी जो लॉन्च डेट है वो हमें शायद अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के स्टार्टिंग तक पता चल जाए, क्योंकि लीक्स तो काफ़ी सारी आती रहती हैं, तब तक शायद हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इंडिया लॉन्च के बारे में, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है क्योंकि जो पिक्सल 6a है वो तो इंडिया में आ रहा है और लास्ट टाइम जो पिक्सल 6 सीरीज़ आई थी ना, जो फ्लैगशिप सीरीज थी, जब वो लॉन्च हुई थी देन गूगल ने कहा था कि हम अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च करेंगे। अगर हम लोग ये कमिटमेंट लेकर चलें देन हो सकता है कि हमें पिक्सल 7 सीरीज़ जो है वो इंडिया में देखने को मिल जाए। बाकी इस पर अगर हमें इंडिया लॉन्च के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, जो भी जितनी भी डिटेल्स आएंगी वो हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में कवर कर देंगे। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस अच्छी लगती है देन उसके लिए आप मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।